हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवरेल लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मेकअप लुक के बारे में। मैंने अचीव किया है बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की हेल्प से। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मेरी वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, ये मेकअप लुक मैंने अचीव किया है बहुत बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं कितना नेचुरली ब्लश एंड सारे प्रोडक्ट्स ये लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा केकी मेकअप नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मस्ट मॉइस्चराइज करें अपने फेस को अच्छे से। मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है तो फिर भी मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज कर लिया। देन उसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ कर लिया। उसके बाद आपको यूज़ करनी है कोई भी बीबी या सीसी क्रीम। तो मुझे ये फेयर एंड लवली जो क्रीम होती है वो सूट करती है मेरे फेस पे, तो मैं इसी को अप्लाई करने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बीबी या सीसी क्रीम पॉन्ड्स की या किसी और कंपनी की यूज़ कर सकते हो। तो एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ये ब्यूटी ब्लेंडर आपको मार्केट में ईजीली 50 to 100 रुपीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। मैंने बहुत ही थोड़ा सा अपने हैंड पे रख लिया है फाउंडेशन। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं इसको डॉट डॉट फॉर्म में अच्छे से लगा लूँगी। देन इसी की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड ध्यान रखना, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आप नेक पर भी अपना मेकअप करें, क्योंकि अदरवाइज़ फेस और नेक बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे आपकी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर स्टिक। तो मैं इन सभी प्रोडक्ट के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो मैं इस कंसीलर स्टिक को आप देख सकते हो, जहां जहां मुझे ज़रूरत है, जहां मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या कहीं पर स्पॉट है कोई भी, तो वहां वहां पर मैंने ये अप्लाई कर लिया है। देन इसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। आपने देखा होगा कि मैं ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्राउन कलर हमारी जो आईब्रोज़ को है वो एकदम नेचुरल लुक देता है। तो मैं अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी इसकी हेल्प से। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने अपनी दोनों आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर अपने बेस मेकअप को सेट करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये नहीं लगाना है फेस पाउडर, आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके अपने पूरे फेस पे बिल्कुल लाइट हैंड से आपको इसको लगाना है। अपनी नेक पर भी, फोरहेड, नेक, सारी जगह पर इसको लगाने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं चूज़ करा है मैंने डार्क ब्राउन कलर। तो डार्क ब्राउन कलर को मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन पर लगा लूँगी। सिर्फ आप देख पा रहे होंगे कि मैं सिर्फ क्रीज लाइन पर ही इसको स्मज कर रही हूँ अच्छे से। जितने अच्छे से आप इसको ब्लेंड करोगे ना, उतने अच्छे से ही आपका आई शेडो उभर के आएगा। तो मैं इसकी 2 से 3 कोट लगा लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी क्रीज लाइन पर थोड़ा डार्क ब्राउन कलर चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरी क्रीज लाइन पर एक डार्क ब्राउन कलर की एक क्रीज लाइन बन चुकी है। तो मैंने इसकी 3 कोट्स जो है अप्लाई की है। तो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये ऑरेंजिश, बिल्कुल लाइट शेड है उसका, ऑरेंज कलर का। तो वो यूज़ करने वाली हूँ अपनी क्रीज लाइन के हल्का सा नीचे। तो मैं इसकी भी 2 से 3 कोट अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी आई लिड पे अप्लाई करने वाली हूँ शिमर शेड का एक आई शेडो। तो आपके पास शिमर शेड होने ही चाहिए अपनी आई शेडो में। तो मैंने सिर्फ इसको अपनी हाफ आई लिड पे लगाया है, जो भी मतलब हमारी आई शेडो से रह गई थी हमारी आईज़ आई लिड, तो उसी पे मैंने सिर्फ इसको अप्लाई किया है। अब मैं क्या करूँगी, एक स्मॉल ब्रश लूँगी एंड जितने भी ये कलर मैंने अप्लाई किए उनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ताकि ये यू नो केकी से ना लगे, अजीब से ना लगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं ये अपने तीनों आई शेडो।
उसके बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट में से ये पिंकिश कलर ले रही हूँ एंड अपने चीक्स पे लगाऊंगी ब्लश के लिए. आप कोशिश करिएगा कि ऐसा आई शेडो पैलेट लें कि जिसमें आपको यू नो कॉन्टोर, आपका ब्लश, आपका हाइलाइटर एंड आपका आई शेडोज, तो सारी चीज़ें मिल जाएं, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लश है बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल सा ये ब्लश लग रहा है. मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से ही ब्लश लगाया है, तो मुझे सबसे ज़्यादा आज के मेकअप में ये ब्लश ही पसंद आया क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, एकदम नेचुरल सा लुक दे रहा है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मियोन का हाइलाइटर. अगर आप परचेज़ करना चाहते हो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. तो मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी. सबसे पहले अपनी नोज़ पर, क्यूपिड बॉट्स पर, चिन पर, चीक्स के ऊपर एंड अपनी आईब्रोज़ को भी मैं हाईलाइट कर लूँगी. अगर आप चाहते हो तो आप हल्का सा अपने फोरहेड पर भी यू नो हाइलाइटर को लगा सकते हैं. हाइलाइटर को आप फैन ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो, और अगर आपके पास फ़ैन ब्रश नहीं है तो आप सिंपल जो आपका ब्रश है उसको आप थोड़ा हाथ से यू नो फैन ब्रश की शेप में बना के तब भी आप लगा सकते हो. नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा. तो मैंने यहाँ पर मस्कारे को अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट आप काजल किसी भी यू नो कोई सा भी काजल आप लगा सकते हो. तो मैं यहाँ पर लाइनर और काजल इसी काजल पेंसिल की हेल्प से लगा लूँगी. इस काजल पेंसिल से ना इजीली हमारा जो काजल है वो लग जाता है. तो ये मैंने काजल लगा लिया है एंड पहले मैंने ये लाइनर लगाया है, देन मैं इसी की हेल्प से काजल भी लगा लिया है. नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी. ये टोमेटो टाइप से जो शेड होता है वो शेड अप्लाई किया है मैंने लिपस्टिक का. तो ये है मेरा फाइनल लुक गाइस, आप देख सकते हो. सॉरी गाइस, मैं अपनी कॉन्टोरिंग की जो क्लिप है वो ऐड करनी भूल गई थी. तो मैंने कॉन्टोरिंग की थी ब्लश के बाद. तो आप अपने आई शेडो पैलेट में से अगर आपके पास ब्राउन कलर का है तो आप उसमें से अपनी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं. अदरवाइज़ आपके पास अगर ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल है तो उसकी हेल्प से भी आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं. आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ. तो आप देखिए कि मैं आईब्रो पेंसिल की हेल्प से, मैंने आपको टू आइडियाज़ बता दें. अगर आपके पास आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर का शेड है, डार्क ब्राउन शेड या हल्का उससे लाइट हो, तो आप उसकी हेल्प से भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं या ब्राउनिंग कर सकते हैं. एंड अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास आईब्रो पेंसिल है ब्राउन कलर की, जैसे कि मैं आपको कॉन्टोरिंग मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दी है, तो आप इसकी हेल्प से करिए एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर या एक ब्रश की हेल्प से आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए. तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक ब्रश, इसकी हेल्प से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी. ये बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगी अच्छे से अगर आप ब्लेंड करोगे तो. तो गाइस देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक एंड आपको कॉन्टोरिंग की लाइंस भी नहीं दिख रही हैं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था उसको एंड ब्लश भी बहुत नेचुरल लग रहा है. तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज के इस मेकअप लुक में सबसे अच्छा क्या चीज़ लगी. तो आप अच्छे से इस तरीके के मेकअप कर सकते हो अपनी पार्टी में जाने के लिए. यह है ग्लोइंग पार्टी मेकअप.
गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके भी बता देना यार कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।